Hello students, welcome to the Pioneer 360's video lectures. अगले lecture में आप कुछ सीखने जा रहे हैं. So happy learning to all of you. Video को देखने के बाद like जरूर करें और share जरूर करें. Thank you. Yes. For a reaction. टू कार्बन प्लस थ्री हाइड्रोजन C2H6 गैस डेल्टा एच इज गिवन -84.4 किलो जूल at 25 degrees Celsius. Calculate the heat of reaction at constant volume for reaction at same temperature. How to solve this question? This question we had did. Okay, Sidra, yani ye question aapne kiya hai. Koi baat nahi. Agar kiya hai to it's okay then. Isme bhi aapko wahi karna hai. Delta H diya hai. Delta N pehle find karna aap. और ये जो पूछा है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब डेल्टा यू फाइंड करना है. सो यू जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी. ये आपका फॉर्मूला होगा. डेल्टा एन पहले फाइंड कर लेना और उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व. सो आई थिंक वी हैव डन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग इन द एग्जाम. और एक कभी नोट कर लेना, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको ये पूछेंगे कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सॉरी वॉल्यूम स्टार कर रहा हूं इसको VIP. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, आपका फॉर्मूला ये है. सॉरी आपको फाइंड करना है डिफरेंस, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू. ये आपको फाइंड करना है और ये फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ इतना लगेगा डेल्टा एन आर टी. बस सिर्फ डेल्टा एन आर टी करना है, बस ये तीन वैल्यूज की मदद से हो जाए. तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, स्टार मार्क करके रखना और लिख के रखना. तो डेल्टा एच की जरूरत नहीं है, डेल्टा यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिफरेंस पूछा है और डिफरेंस हम पता लगा सकते हैं सिर्फ डेल्टा एन आर टी से. Now the time to start the new topic. इसमें मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ एंथैल्पी.
एंथैल्पीज के अलग अलग नाम होंगे। एंथैल्पी वैसे तो डेल्टा एच होता है, लेकिन इस डेल्टा एच में भी अगर अगर रिएक्शंस अलग अलग होंगे, सो डिपेंडिंग ऑन द डेल्टा एच यू कैन नेम दैट इट इज अ टाइप ऑफ एंथैल्पी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एंथैल्पी चेंज का एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है। एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन में आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, और जो प्रोडक्ट है, इनके एंथैल्पी का हिसाब किताब। हाउ वी फाइंड इट, बेसिकली एंथैल्पी चेंज जो होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो है एच सी प्लस एच डी, इनको आप प्लस करो, माइनस ए और बी की एंथैल्पी लो, ये जो डिफरेंस आएगा वही है आपका एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंथैल्पी चेंज कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। सो केस वन, अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, इससे आपको क्या मालूम पड़ता है, इससे आपको ये मालूम पड़ता है कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा है, और ये वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड। इसका अपोजिट है अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है इसका मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है। ऐसे केस में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। हीट इज इवॉल्व्ड। तो डेल्टा एच की वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट है। वील ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस बाय सम एग्जाम्पल्स। मान लो इन दोनों की एंथैल्पी मिलकर है 50 और इन दोनों की एंथैल्पी मिलकर है 70। अगर आपके रिएक्टेंट की हीट 50 है, एंथैल्पी इसकी 50 है और वो हो गई 70, इसका मतलब इसने जरूर हीट एब्जॉर्ब की होगी। तो ये रिएक्शन हीटिंग से हुआ है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी हीट बढ़ गई, 50 थी 70 हो गई, और इसका जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा। हम डेल्टा एच पॉजिटिव लिखेंगे, डेल्टा एच को लिखेंगे 20 जूल। अगर ये जूल है तो 20 जूल लिखेंगे। ये 20 जूल कैसे आया, 70 माइनस 50।
ऑन द अदर हैंड इफ ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, अगर ए प्लस बी की वैल्यू है 80 और सी प्लस डी की वैल्यू है इससे कम, मान लो 60, से 60 हो गया, मतलब 20 जूल कहां पे गया? तो 20 जूल जरूर हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ, 20 जूल चला गया हीट के फॉर्म में, 20 जूल हीट के फॉर्म में गया, तभी तो ऐसा हुआ। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब हम डेल्टा एच लिखते हैं तो उसमें माइनस साइन लगाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कंटिन्यूइंग विद द टाइप ऑफ एंथैल्पी, जैसे जैसे रिएक्शन बदलेगा उस एंथैल्पी का नाम बदलेगा, सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन we will study the enthalpy of physical transformation. ऐसे प्रोसेस जिसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग जो प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम नाम देंगे। जैसे एक एग्जांपल, पहला फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, FUS लिखा जाएगा स्मॉल अक्षर में और डेल्टा एच के बीच में लिखना है अपने को, डेल्टा एच के बीच में छोटा सा लिखना है फ्यूजन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं? जब एक मोल किसी सब्सटेंस का, व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वन मोल ऑफ द सेम सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट, ऐसे प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा एच होगा उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एग्जांपल, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया मैंने सॉलिड, वन मोल ले लिया, आइस, आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बन गया वन मोल का। अगर इस प्रोसेस का डेल्टा एच अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल इसका डेल्टा एच है +6.01 किलो जूल, हीट को एब्जॉर्ब करता ही है, थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब करेगा सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, ये वाला जो डेल्टा एच है इसको, डेल्टा एच को स्पेशल नाम मिलेगा, इसको नाम मिलेगा डेल्टा एस, FUS फ्यूजन। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कुछ और नहीं है, इट इज द एंथैल्पी चेंज, याद रखना ये कॉमन रहेगा, इट इज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज को ही नाम दे रहे हम लोग, और सिर्फ आपको लगाना है व्हेन, ये बदलेगा खाली, व्हेन के आगे का पार्ट है वो बदलेगा। अगर एक सॉलिड का मोल लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्यूजन नाम देंगे। सेम वे मान लो अगर कोई चीज है लिक्विड से गैस हो रही है, लिक्विड से अगर गैस हो रही है, लिक्विड वाटर बन गया, वाटर वेपर, इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच होगा, जो भी होगा, ये वैल्यू आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन इस डेल्टा एच को स्पेशल नाम मिलेगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एच वीएपी, इसको नाम देना है आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अलग अलग एंथैल्पीज के नाम बनेंगे डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस क्या है। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो उसको बोलेंगे फ्यूजन, लिक्विड से वेपर बन रहा है तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। नोट कर लो ये। सो हमारे जो एंथैल्पीज है उसके अलग अलग नाम होंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड से वेपर बन रहा है। सेम वे हमें मिल सकता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। सो सब्लिमेशन का मतलब है कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है। तो ये हो गए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। जनरली ये सब पॉजिटिव होते हैं, जनरली ये सब डेल्टा एच पॉजिटिव होंगे क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन से। सो जनरली दे आर ऑल इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और भी कुछ प्रोसेस हो सकते हैं जिसको हम एंथैल्पी को नाम दे सकते हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब ही है एक एटम आयन में कन्वर्ट हो। सो व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयन बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाने से उसका जो पॉजिटिव आयन बनता है, इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होती है, इसके अंदर जो हीट रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो हीट लगती है वो भी पॉजिटिव ही रहती है। जनरली आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको एक एटम से, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए आपको जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब एग्जांपल आपका सोडियम ले लिया आपने, एटम उसका बना दिया Na प्लस, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। देन वी हैव अनदर टर्म सिमिलर टू दिस इन केस ऑफ एटम्स विच गेन द इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन लूज करते तो पॉजिटिव आयन बनता है, उसी के तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं लिखूंगा डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होने वाला यह है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव आयन बनेगा। एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाता है, इसका जो डेल्टा एच होगा उसको हम ऑब्वियसली ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा और इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें हीट इज एब्सॉर्ब्ड, यहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इज रिलीज्ड। तो आप देखो कैसे अलग अलग एंथैल्पी के नाम बदल रहे डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से नाम आ रहे हैं। We also have enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. Atomization का मतलब एक मॉलिक्यूल है
जो दो या उससे ज्यादा एटम्स का बना हुआ है और मॉलिक्यूल टूट के एटम्स अलग हो जाते हैं, एटम्स अलग हो जाना, मॉलिक्यूल से एटम बनना, एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल से दो क्लोरीन के एटम्स अलग हो गए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटोमाइजेशन। इसका जो डेल्टा एच होगा उसको हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये भी जनरली पॉजिटिव ही रहता है। हीट रिक्वायर्ड रहेगी आपको, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड ब्रेकिंग है तो बॉन्ड सप्लाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इतना लिख लो पहले आप स्टूडेंट्स, ये इतने अलग अलग तरह के सिर्फ नाम लिख लो, डिटेल में आपको बाद में लिखना है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज नथिंग बट द एंथैल्पी चेंज फॉर अ प्रोसेस इन विच, या सिर्फ व्हेन लगा दो, सिर्फ व्हेन लगा दोगे चलेगा, डेल्टा एच व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉल्यूट, अभी सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्यूट से बनता है, वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व, पूरी तरह से कि हम इसको डिसॉल्व करेंगे इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्वेंट का लेंगे, उसमें कितना मोल डिसॉल्व होता है, हो सकता है ग्राम में हो सकता है मोल में हो, क्वांटिटी सॉल्वेंट की, वन मोल को सॉल्वेंट में पूरा डिसॉल्व करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, इस प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा एच होगा उसको बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस दो स्टेप में होता है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। कोई चीज जब डिसॉल्व होती है किसी चीज में, फॉर एग्जाम्पल NaCl जब पानी में डिसॉल्व होता है तो उसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट या क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी बोलते हैं उसको, क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी। पहले आपका जो क्रिस्टल है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका क्रिस्टल आयन्स में अलग हो जाएगा, पहले तो इसके आयन्स अलग हो जाएंगे, इसके आयन्स फॉर्म हो जाएंगे गैसियस स्टेट में, इंपॉर्टेंट है गैसियस स्टेट में जो आयन्स बनाने के लिए एनर्जी लगती है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी। सो क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टल टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स इन इट्स गैसियस स्टेट। जैसे एग्जाम्पल आपका NaCl आपने लिया, सॉलिड नमक, नमक पानी में डिजॉल्व डायरेक्टली नहीं होगा, पहले नमक के पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन अलग होंगे और गैसियस स्टेट में उसका जो वैल्यू होगा उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच एल, स्टैंडर्ड गैसियस स्टेट में होता है हमेशा। सो डेल्टा एच एल इज द फर्स्ट स्टेप, पहले क्रिस्टल ब्रेक होगा, क्रिस्टल ब्रेक होने के बाद दूसरा हिस्सा है जिसमें ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन बने हैं ये पानी के साथ डिजोल्व होंगे, पानी में जाएंगे, तो आपका पॉजिटिव आयन और आपका नेगेटिव आयन पानी के साथ एसोसिएशन करेगा और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन बन गया। पानी के साथ एसोसिएशन आपको ऐसे दिखाना है कि M जो आयन है वाटर के साथ कंबाइन हो गया, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें मालूम नहीं है इसलिए X लिख देने का,
ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव आयन है, एक्स का वाटर का नेगेटिव होगा। इसमें मैं वाई ले लेता हूं, इस इन दोनों को हम बोलते हैं, इन दोनों की जो एंथैल्पी होगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये दो पार्ट्स मिलकर आपका सॉल्यूशन बनता है। गर्ल्स नाउ Please note the question, everyone. Formula of enthalpy of solution is enthalpy of crystal lattice plus enthalpy of hydration. Use this formula. So 699 minus 681.8, your answer is going to be plus 17.2 kilojoule per mole. The next topic, student, is thermochemistry. In thermochemistry, we have already discussed the concept of delta H. Delta H का concept मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। Enthalpy change क्या होता है? Sum of enthalpy of product minus sum of enthalpy of reactant. इसके हिसाब से अगर हम दो तरह के reactions को पढ़े, एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है और एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इनके लिए पॉइंट्स मैंने दिए ऑलरेडी। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव, हियर डेल्टा एच इज पॉजिटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हियर वी कैन से दैट द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथाल्पी एक तरह की एनर्जी है, जिसमें एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है।
कम एनर्जी है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। इसमें रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। और यही रीजन है कि इसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप रिएक्टेंट को साथ में ले लो, प्रोडक्ट बन जाएगा। जबकि ये वाला रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसलिए ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये अपने आप नहीं होगा, इसमें आपको हीटिंग करना पड़ेगा। सबने नोट कर लिया? भाई बंद करो बच्चों। देन वी विल डिस्कस द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो फिर ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कुछ इंफॉर्मेशन और आएगी, केमिकल इक्वेशन तो रहेगा ही रहेगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में सारे एलिमेंट्स के फिजिकल स्टेट्स आएंगे, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज लिखा जाएगा यहाँ पे। अगर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर -295 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है, याद रखो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, इतनी हीट रिलीज हो रही है। ये जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में मुझे क्या क्या पता चल रहा है, ऑफकोर्स मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट मालूम पड़ रहा है, सबके फिजिकल स्टेट मालूम पड़ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन के एंड में इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अगर दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बिना डेल्टा एच के मैं लिखूंगा तो वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन, लेकिन अगर मैं डेल्टा एच के साथ लिखता हूं तो वो बन जाएगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन।